मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मथुरा की गोवर्धन क्षेत्र के बाबूलाल महाविद्यालय की बीए की तृतीय वर्ष की एक छात्रा के साथ कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भारत उपाध्याय और गार्ड विष्णु पहलवान ने पहले छात्रा के साथ अश्लील हरकत की, उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया। छात्रा को कॉलेज के कमरे में बंद कर दुराचार करने की कोशिश की गई। घटना 23 जनवरी की है, मगर मामला अब दर्ज हुआ। पीड़िता ने बताया कि 23 जनवरी को चीफ प्रॉक्टर भारत उपाध्याय ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। अश्लील हरकत करने लगा, पेपर में पास होने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की बात की, मगर छात्रा ने जब इनकार कर दिया तो भारत उपाध्याय गुस्से में आ गया, जिसके बाद दुराचार करने की कोशिश की, जिसमें साथ दे रहा था उसका गार्ड विष्णु पहलवान। इसी दौरान किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटा दिया। हड़बड़ाहट में भारत ने दरवाजा खोल दिया। छात्रा मौके का फायदा उठाकर भाग निकली। छात्रा जब पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाही तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, जिसके बाद छात्रा इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। मगर जब उच्च अधिकारियों तक जब इसकी जानकारी पहुंची तब जाकर मामला दर्ज हुआ। महाविद्यालय में एक लड़की ने एक आरोप लगाया छेड़खानी का, क्या मामला है? इस बारे में पूर्व में दरखास्त लड़की की मिली थी, इस पर मामला डीआई साहब को और पुलिस सचिव साहब को भी जांच हेतु संदर्भित किया गया है। चूँकि महाविद्यालय का मामला है तो उनकी विभागीय जांच भी होगी और विभागीय जांच तो कराई जा रही है। इसी बीच में यह भी प्रकाश में आया है कि लड़की ने अभियोग पंजीकृत करा दिया है, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और सत्यता पर इसमें कार्रवाई कराई जाएगी। सर, छात्रा आरोप लगा रही है कि पुलिस ने भी दबाव डाला है कि इस तरह की एफआईआर ना करें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है तो नियमता पहले उनके शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कुछ डिले हुआ हो, फिर भी मुकदमा लिखा गया है इसका। मैं बबीता कुमारी बाबूलाल की छात्रा हूँ, बीए तृतीय वर्ष की। एक भारत उपाध्याय ने मेरे को पेपर के बहाने मेरे अपने रूम में बुलाया था ऑफिस में, वहाँ पर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मना करने के बावजूद भी उसने मेरे टॉप में हाथ घेरा है, तो उसके बावजूद भी मैंने किसी ने गेट बजाया, मैं अपनी जान बचा के अपनी इज्जत बचा के मैं गेट के बाहर आई, तो मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है, किसी ने अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। क्या नाम है उनका? उनका नाम भारत उपाध्याय, चीफ प्रोक्टर गोवर्धन के पत्रकार। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? बाबूलाल महाविद्यालय। अजी, ये कब से कर रहे हैं आप, आपके साथ में? ये मेरे साथ में 3 साल पहले से भी कई बार टॉर्चर कर चुके हैं। मेरे पापा आते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने चले जाते हैं कहीं। अब तो इन्होंने मेरे साथ में पेपर के द्वारा घटना की है। अच्छा, तो इसमें अब एफआईआर होगी, क्या हो गया? अभी एफआईआर आज मेरी दर्ज हुई है, देखिए आगे क्या सुनवाई होता है। अभी मेरा पुलिस वाले सीओ अंकल ऑफिसर हैं, जो भी है वो मेरे पापा को अब भी धमका रहे हैं। तो ये स्कूल में देता है। तो ये स्कूल में किस पद पे हैं? एक प्रोजेक्टर के। वही पीड़िता का कहना है कि कॉलेज से उसे निकाल दिया गया है और केस वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है और पूरे परिवार को जान का खतरा भी बता रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ SC/ST के तहत और बलात्कार सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।